किस हक की बात कर रही है ये लड़की? अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का कत्ल करने के बाद ये उम्मीद करती है कि सरकार उसे डिफेंस लॉयर भी दे? रिलैक्स मलिक साहब, ऐसी सिचुएशन में जब मुजरिम के पास कोई लॉयर ना हो तो सरकार ही उसे डिफेंस लॉयर देती है। पर फिक्र मत कीजिए, दिस इज एन ओपन एंड शट केस। मुजरिम को मौका है वारदात पर हाथ में खंजर लिए गिरफ्तार किया गया है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। मिस्टर अग्निहोत्री, एक कॉलेज के प्रिंसिपल का इतनी बेरहमी से कत्ल क्या मिसाल कायम कर सकता है, शायद आप समझ सकते हैं। हमारे कॉलेज की रेपुटेशन धूल में मिलती जा रही है और मैं इस कॉलेज का चेयरमैन होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूं मलिक साहब, मिस्टर पांडे जैसा प्रिंसिपल कई सालों बाद हमारे कॉलेज में आया था। हर स्टूडेंट, हर लेक्चरर उन्हें पूछता था। वी यूज्ड टू लुक अप टू हिम। लेकिन जब उस आदमी की मौत हुई तो लाश भी बचाने में नहीं आ रही थी, पूरे शरीर पर चाकुओं के वार थे। मलिक साहब संभालिए अपने आप को, मैं आपको यकीन दिलाता हूं उस लड़की को सजा जरूर मिलेगी। अव्वल तो कोई भी लॉयर इस केस को लेने से घबराएगा, लेकिन अगर किसी लॉयर ने ले भी लिया तो एक आधी हरिंग में घुटने टेक देगा। क्यों, अब इतना भी कमजोर नहीं है ये केस। अबे रहने दे, कानून नहीं जानता पर थोड़ी बहुत कॉमन सेंस तो रखता हूं। अब इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस लड़की माया रॉय को प्रिंसिपल पांडे के घर के बाहर छुपा हुआ पाया गया, और यही नहीं, उसके हाथ में खून से लथपथ खंजर भी था। अब तू ही बता, इसके फेवर में कोई वकील क्या कह सकता है? मोटिव। मोटिव? जी हाँ जनाब, इस पूरी रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि इस कत्ल की वजह क्या थी। इस लड़की को अगर कातिल साबित करना है तो प्रोसिक्यूशन को वो मोटिव साबित करना होगा। हाँ यार, वजह तो कहीं भी नहीं लिखी है। हाँ, वजह तो कहीं भी नहीं लिखी। सो यू सी, लॉ इज नॉट जस्ट अबाउट कॉमन सेंस मिस्टर डिटेक्टिव। चल चल, अब ज्यादा डींगे मारने की जरूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जा, मुन्ना आता ही होगा। मुन्ना आ चुका है। क्यों साहब, लगता है डॉक्टर साहब एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बात की थोड़ी घबराहट हो रही है। किस बात की? क्या है ना साहब, बहुत सालों बाद किसी को हाँ बोलूं, अगर थोड़ा सा लड़खड़ा जाओ ना तो आप संभाल लीजिएगा। आज डॉक्टर कुसुम ग्रेवाल से आप मिल लीजिएगा, बहुत ही नामी साइकेट्रिस्ट है, शायद आपके केस को कुछ मदद मिल सके। जी अच्छा, तो अग्निहोत्री साहब मैं चलता हूँ, किसी भी मदद की जरूरत हो तो कहिएगा। जी जरूर। हेलो, मुझे दीपा से बात करनी है। मे नो हु इज कॉलिंग? शशांक अग्निहोत्री। शशांक, दीपा अपने कमरे में है, वहीं बात कर लो। जी। दीपा आज ऑफिस नहीं जा रही है। थैंक्स टू यू, दीपा और शशांक अलग हो चुके हैं। हाँ, हर झगड़े की वजह हमेशा मैं ही होता हूँ। हर लड़ाई की बात तो मैं नहीं जानती मोहन, पर कम से कम इस लड़ाई की वजह तो आप ही हैं। लेकिन मैं कैसे वजह हूँ? मैं तो पता नहीं दीपा और शशांक को लेकर क्या क्या सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मुझे लगता था, बल्कि अभी लगता है कि दीपा और शशांक साथ में खुश रहेंगे, बल्कि मैं तो तुमसे भी इस बारे में बात करना चाह रहा था। फिर की क्यों नहीं? वैसे आपने दीपा से बात की? नहीं, पर जहां तक मैं जानता हूं दीपा शशांक की सुनती है, बल्कि शायद उसे पसंद भी करती है। सब कुछ जानते हुए और सब कुछ समझते हुए भी ऐसा कुछ क्यों कर जाते हैं आप मोहन, कि बनी हुई बात बिगड़ जाए? आखिर मैंने किया क्या है? उस लड़की की समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि अगर मैंने उनको कुछ केसेस ट्रांसफर किए भी तो सिर्फ इसलिए कि लोगों में उनकी पहचान बढ़े। यानी आपने केसेस ट्रांसफर किए हैं? हाँ किए थे, लेकिन इसमें बुरा क्या है? आखिर माँ बाप ही बच्चों को प्रमोट करते हैं। शशांक तो उन केसेस को लेने के लिए कतई तैयार नहीं था,
वो तो मैंने जबरदस्ती उसे ये केसेस थमा दिए, लेकिन इस लड़की को ये बात समझाए कौन? पता नहीं क्यों मोहन, पहली बार आप पर भरोसा करने को मन चाह रहा है। खैर, आप शशांक से बात कीजिए, मैं दीपा से करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा शशांक, तुम्हें जो केस मिला है तुम ही लड़ो। जब तक तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बता देते, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। तुम क्या जानना चाहती हो दीपा, उन केसेस के बारे में? हाँ, तुम्हारे पापा ने कुछ केसेस हमें दिए थे, पर मैं उनसे वो केसेस मांगने नहीं गया था। पर तुम मना भी तो कर सकते थे। मैंने मना किया था दीपा, बल्कि मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि हमें इन केसेस की जरूरत नहीं है, पर उन्होंने जबरदस्ती मुझे ये केसेस थमाए। अब तुम चाहो तो हम ये केसेस वापस कर सकते हैं, पर अपने पापा की जिद की सजा मुझे मत दो। तुम सच कह रहे हो शशांक? तुम चाहो तो अपने पापा से पूछ लो। वैसे मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए फोन किया था दीपा, मेरे सवाल का सच सच जवाब देना। क्या पूछना चाहते हो तुम शशांक? मैं इतने दिन से यही सोच रहा हूं कि जो भी ये सब कर रहा है उसका मकसद क्या है। मतलब शशांक, साफ साफ बोलो ना, क्या पूछना चाहते हो? दीपा, डिड माधव एवर प्रपोज टू यू? माधव? यस दीपा, डिड माधव एवर प्रपोज टू यू? क्या कभी उसने तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया कि वो तुमसे प्यार करता है? शशांक, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। मुझे जवाब मिल गया दीपा। हेलो। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। डॉक्टर ग्रेवाल, शशांक अग्निहोत्री। हेलो मिस्टर अग्निहोत्री। थैंक यू। मिस्टर मलिक ने कहा था आपसे मिलने के लिए, आपने माया रॉय की फाइल पढ़ी? मिस्टर अग्निहोत्री, मैंने माया की फाइल तो पढ़ ली है, लेकिन मैं खुद एक बार इस लड़की से मिलना चाहती हूँ। आई थिंक ओनली देन आई कैन से समथिंग फॉर श्योर। हम अभी माया रॉय से मिल सकते हैं अगर आप फ्री हो तो। मतलब से एक घंटे में मेरा एक अपॉइंटमेंट है, हमें एक घंटे में लौट आना होगा। मेरे ख्याल से एक घंटा काफी रहेगा, चले। ओके। Did Madhav ever propose to you? आज तुमसे हार कर भी मुझे जीत का एहसास हो रहा है। मैं तुमसे ये नहीं कह पाता कि दीपा, I love you. Obviously इस वक्त तुम्हारा लेना देना सिर्फ शशांक की हार से होगा। एक्सपेक्ट नहीं किया था माधव। क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था माधव से? आप? सॉरी, दरवाजा खुला था तो चली आई। ये माधव के बारे में क्या कह रही थी तुम? मम्मी, शशांक सोचता है कि माधव उसे और मुझे अलग करवाना चाहता है। माधव? माधव ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं, पर अभी अभी शशांक ने मुझसे एक ऐसी बात पूछी है जिससे ना चाहते हुए भी मैं माधव पर शक करने पर मजबूर हो गई हूँ। पर शशांक ने ऐसा क्या कहा है? शशांक ने मुझसे ये पूछा कि क्या माधव ने मुझे प्रपोज किया था या नहीं। और तुमने क्या जवाब दिया? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगी? हाँ माँ, माधव डिड प्रपोज टू मी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था, और उसके बाद भी हमारी काफी बहस हुई, वो भी पापा को लेकर, और फिर हमारा मिलना बिल्कुल बंद हो गया। आई थॉट ही वुड हैव गॉट ओवर इट बाय नाउ, बट नाउ आई रियली डोंट नो। इसका मतलब ये है कि माधव जो कुछ कर रहा है वो तुम्हें हासिल करने के लिए कर रहा है। पता नहीं, आई थिंक आई हैव टू टॉक टू हिम। नहीं नहीं, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं।
अब जो भी बात करनी है तुम्हारे पापा करेंगे। पर उस दिन तो आपने कहा था कि मुझे माधव से बात करनी चाहिए। उस दिन मैं ये सब नहीं जानती थी। देखो दीपा, तुम्हारे पापा और मेरे बीच कितनी भी दूरी हो, पर तुम्हारा सवाल उठेगा तो हम दोनों एक हैं। अब मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब दो। तुम्हें शशांक कैसा लगता है? शशांक? माया रॉय तुमसे कोई मिलने आया है? हेलो माया, मैं डॉक्टर कुसुम ग्रेवाल हूँ। तुम चाहो तो सिर्फ मुझे कुसुम भी कह सकती हो। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। साइकाइट्रिस्ट समझती हो? जी। माया, क्या तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? जी, सब कहते हैं कि मैंने प्रिंसिपल पांडे का खून किया है। सब? सब कौन? कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, कॉलेज में सब। क्या तुमने वाकई ऐसा किया है? नहीं तो। माया, तुम उस रात मिस्टर पांडे के घर के बाहर क्या कर रही थी? जी पता नहीं। वो चाकू तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया? मुझे याद नहीं। माया, तुम वहां से भागी क्यों नहीं? तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? पता नहीं। अच्छा माया, ये बताओ कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो? जी कॉलेज, फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी ऑनर्स। साइकोलॉजी? मिस्टर पांडे को कब से जानती हो? सालों से। माया, क्या तुम उस रात वहीं थी जब ये सब हुआ? माया, क्या तुमने मिस्टर पांडे का कत्ल होते हुए देखा? बोलो माया। यानी तुम वहां मौजूद थी लेकिन तुमने कत्ल होते हुए नहीं देखा? शायद। क्या तुम कत्ल करने वाले से डरती हो? जी। यानी तुम जानती हो कि ये कत्ल किसने किया? मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे नहीं लगता ये लड़की नॉर्मल है। आपने देखा वो किस तरह से रिएक्ट कर रही थी? जी देखा, और ये भी देखा किस तरह उस लड़की के मुंह में आप अपने लफ्ज डाल रही थी। उसको ये पूछने की क्या जरूरत थी कि उसने कत्ल होते हुए देखा या नहीं? मिस्टर अग्निहोत्री, पेशेंट्स को इसी तरह से डायग्नोस किया जाता है। यू कांट एक्सपेक्ट देम टू से एवरीथिंग देमसेल्व्स। उनसे सच्चाई उगलवानी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है, वो सच कह रही थी? वेल, हो भी सकता है। मुझे लगता है माया को साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। देखिए डॉक्टर ग्रेवाल, एज सच मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आपसे पहले 3 साइकियाट्रिस्ट माया को देख चुके हैं और उनकी राय है कि वह बिल्कुल नॉर्मल है। मैं फिर भी यही कहूंगी कि माया नॉर्मल नहीं है। देखिए मिस्टर अग्निहोत्री, मैं उस लड़की के साथ काफी देर रही हूँ। मैंने उससे बात की है और मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि उसे थेरेपी की जरूरत है। कल तक आपको मेरी रिपोर्ट मिल जाएगी। डॉक्टर ग्रेवाल, आई डोंट नीड योर रिपोर्ट। मैं सिर्फ मिस्टर मल्लिक के रिकमेंडेशन पर आपसे मिला था, पर मुझे लगता है मैंने गलती की। मैं चलता हूँ। तो फोन कीजिए यहीं से मिस्टर मलिक को और कहिए उनसे कि उन्होंने आपको मेरे पास भेजकर कितनी बड़ी गलती की। पर एक बात आप ही सुन लीजिए, चुप मैं भी नहीं रहूंगी। किसी निर्दोष को मैं सजा नहीं मिलने दूंगी। क्या करेंगे आप? पता नहीं, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। प्लीज एक्सक्यूज मी, आई कांट कीप माय पेशेंट्स वेटिंग। डॉक्टर ग्रेवाल, लुक मिस्टर अग्निहोत्री, आई हैव टू गो। ठीक है, आप जाइए, अपने पेशेंट्स को अटेंड कीजिए। मैं आपका इंतजार यहीं करता हूँ। साहब, हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? डॉक्टर साहब ने हमें बाहर रुकने के लिए कहा है। क्यों? मुन्ना, आज फाइनली तो माँ को पहली बार मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर्स चंद टेस्ट करना चाहते हैं कि इसका माँ पर क्या असर होगा। यही नहीं, उन्होंने कोई साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है जो हमें बताएगा कि आगे क्या करना है। पर यहाँ कहाँ है डॉक्टर? इतने देर से तो हम इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर माधव सूरी? यस। हाय, डॉक्टर कुसुम ग्रेवाल। हेलो डॉक्टर। हेलो मुन्ना। हेलो मुन्ना। मिस्टर सूरी, मैंने आपकी मदर की केस हिस्ट्री पढ़ी है। हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जी मुन्ना, तुम अकेले अंदर जाओगे। अकेला? मैं तो उन्हें जानता ही नहीं।
तुम उन्हें नहीं जानते हो, वो तुम्हें जानती हैं। तुम वहाँ एक डॉक्टर की तरह जाओगे और वो टेबल पर पड़ी रिपोर्ट्स पढ़ोगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि आपकी माँ मुन्ना को देखकर किस तरह से रिएक्ट करती हैं, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। ओके पॉजिटिव साइन। आपकी माँ मुन्ना को देखकर वायलेंट नहीं हुई, उन्होंने उसे धीरे धीरे देखने की, पहचानने की कोशिश की और फिर शायद मुन्ना का हुबहू चेहरा देखकर वो बेहोश हो गई हैं। अब हमें आगे क्या करना होगा? Well, I think we have achieved some success. आपकी माँ जैसे जैसे मुन्ना से मिलती रहेंगी उनकी हालत में सुधार आना चाहिए। थैंक यू Thank you ever so much, Doctor. It's my job, Mr. Suri. Doctor, ये मेरा कार्ड है। कभी भी अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं, don't hesitate, just give me a call. जरूर। आप वकील हैं? जी। वकालत सिर्फ पैसे के लिए करते हैं या इंसाफ के लिए भी? मतलब? एक केस है, मिस्टर सूरी, जिसमें एक निर्दोष लड़की को कसूरवार ठहराकर सजा दी जा रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले उस लड़की से मिलकर आई हूँ और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो लड़की दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं है। बिना किसी फीस के, सिर्फ इंसाफ की खातिर, क्या आप उसे डिफेंड करना चाहेंगे? वैसे आप कौन से केस के बारे में बात कर रही हैं? स्टेट वर्सेस माया रॉय। स्टेट वर्सेस माया। ओके डॉक्टर, आपके लिए मैं ये केस लड़ूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर सूरी। एक सेकेंड, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। श्योर। हेलो सतीश। हाँ, मैं डॉक्टर ग्रेवाल बोल रही हूँ। मेरे कमरे में एक साहब बैठे हैं, जरा उन्हें रूम नंबर 306 में ले आओ। थैंक यू। वैसे डॉक्टर, आप मुझे मिलवा किससे रही हैं? इस केस के प्रोसिक्यूटिंग लॉयर से। उनका मानना है कि ये लड़की दिमागी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल है और खून भी इसी ने किया है। हाँ, इस केस के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन ये प्रोसिक्यूटिंग लॉयर है कौन? आइए। मिस्टर सूरी, ये है मिस्टर शशांक अग्निहोत्री, माया रॉय के प्रोसिक्यूटिंग लॉयर। और मिस्टर अग्निहोत्री, ये है मिस्टर माधव सूरी, माया रॉय के डिफेंस लॉयर।